हेलो दोस्तों दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज वो आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये फॉर्म फ़ोन पर कैसे अप्लाई करना है वो बताऊं, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये फॉर्म आप फ़ोन से कैसे अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, पहले हम ये डिटेल देख लें जो नोटिफिकेशन लिंक आउट हुआ है इनका। तो सबसे पहले हम चेक करें तो 14 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 13 तारीख 11th मंथ 2019 को इसका डेट क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके सामने सारा पैटर्न है कि फीमेल और मेल के लिए कितनी कितनी एससी ओबीसी के लिए कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो आगे नीचे बात करें दोस्तों, एज जो एससी और ओबीसी के लिए है 28 और एस सी एस टी के लिए 30 साल की है। वैसे नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल की एज रखी हुई है। तो दोस्तों, एजुकेशन की बात करें, +2 सिर्फ पास होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें फीस एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, ये डिटेल वैसे पहले भी मैंने दे दी थी आपको, बट एक बार फिर से हमने चलो चेक कर लिया। और आपको चेक करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके यह पूरी पीडीएफ चेक कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ अब आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा, जहाँ पर लिखना पड़ेगा दिल्ली पुलिस .nic.in। तो इस पर सर्च करके इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सबसे पहली जो ये लिंक है ना, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो लिंक आउट हो रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इनका फॉर्म का जो मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमें, अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन कर देना। अगर नहीं किया है तो आप पहली बार ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं आप क्या क्या डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। तो एक बार डिटेल चेक करके आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर दोगे। तो दोस्तों, ये सब फॉर्म फिल करने के बाद, जैसे यहाँ पे जो ये तो पहले अप्लाई मतलब फिल होगा, हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है ये, तो इसी यहाँ पे अपना नाम, मेल, नेशनलिटी, हिंदी लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग है वो फिल करके, बाकी आप चेक करके जो जो यहाँ पे फॉर्म दिया गया ना जो फिल करने के लिए, वो हमने फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो ये कैप्चा है, यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा सेम टू सेम, और यहाँ पे आई एक्सेप्टेड द टर्म्स। ओके, इसके बाद से यहाँ पे फॉर्म दिया गया ना जो फिल करने के लिए, वो हमने फिल कर देना है। तो फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो ये कैप्चा है, यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा सेम टू सेम, और यहाँ पे आई एक्सेप्टेड द टर्म्स। ओके, इसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो रजिस्टर करने के बाद दोस्तों, आपके मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होगा। तो मैसेज आने के बाद दोस्तों, आपको इस पेज पर फिर से आना है जहाँ से हमने रजिस्टर न्यू किया था। तो जो आपके पास अब वो जो आया है ना, जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, तो उसको यहाँ पे फिल करके लॉगिन करना है। तो दोस्तों चलो मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जो हमारा जो ये पहला स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमने आगे चेक करना है कि क्या क्या इसने इस पोस्ट में मांगा गया है, और वो हमें अप्लाई करके इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यूज पे क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको जो फिल करना है, यहाँ पे पहला कॉलम में जो दिया गया है, यहाँ पे आप अगर दिल्ली पुलिस के जो महकमे में ऑलरेडी सेट हो, उनके पुत्र या पुत्री हो तो यस कर दीजिए, और नहीं हो तो नहीं, नो कर दीजिए। इसके बाद आपको आधार कार्ड, आपका पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी पे कुछ भी हो जो चोट का निशान हो, क्या अच्छा कैसा भी हो, वो यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे आप एरिया से हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए। इसके बाद आप चेक करते रहना, इतने तो आई नो एड्रेस पूछा गया है इससे। इसके बाद और इसके बाद जो आपको 10th और 12th की, आपको जो भी अपना जो जहाँ से आपने पास किया है, जो भी आपका रोल नंबर कुछ भी जो है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जिस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस तरह वहाँ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो पहले आप ये ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। जो आपको फोटो अपलोड करनी है और जो भी आपको सिग्नेचर वगैरह अपलोड करनी है, उसका सब साइज और किस टाइप की चाहिए इसमें सब डिटेल में बताया गया है। तो आगे हम चेक करते हैं क्या क्या अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी को फ़ोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है, और लेफ्ट बाएं अंगूठे का निशान हमको यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों ऐसे पहले हम अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर, फिर हम ना जो थंब इंप्रेशन है, जो हम पहले तो हम पैड पर लगा के किसी पेपर पर अपना लेफ्ट थंब को लगा लेंगे, और उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसका साइज 100 KB से 200 KB के बीच का करके फिर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो हमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो PDF के रूप में हमें अपलोड करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन आप अपनी फ़ोटो को, जो फ़ोटो खींच के 10वीं के सर्टिफिकेट की, उसको ऑनलाइन जाओ गूगल पर सर्च करो PDF कन्वर्टर, तो उससे आसानी से आप अपनी फ़ोटो को PDF के रूप में कन्वर्ट कर लोगे और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा, रेडी बन के। देखो जैसे मैंने अपना फॉर्म खुद फिल किया है और मेरा फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे कि और क्या चाहिए। इसके बाद दोस्तों बस हमें नेक्स्ट पेज पर जाके